देखिए धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। लेकिन कलयुग आते ही वृषभ का चरण कटा, धर्म रूपी बैल का चरण कटा। इसका मतलब कलयुग में सत्य, दया, दान और पवित्रता कम होता जा रहा है। आजकल के लोग सत्यवादी नहीं हैं। आपने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना होगा, उन्होंने सत्य के लिए अपने आप को बेच दिया, सत्य के लिए सब कुछ लुटा दिया। उस जमाने में सत्य के लिए अपने प्राण तक त्यागने को व्यक्ति तैयार होते थे, लेकिन आजकल सत्य को हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, झूठ को अपने जीवन जीने के लिए सहारा बना रहे हैं। आज के समय में सत्य का नाश होता जा रहा है। सत्य एक धर्म है और हम सत्य को छोड़ेंगे तो हम धर्म के रक्षा कैसे कर पाएंगे। आजकल हम लोग एकजुट होते हैं धर्म को बचाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन जब धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो झूठ के सहारा लेकर के कभी आप धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अगर अपने आप को धर्म करने वाले मानते हो तो पहले बात को ध्यान रखिए, जीवन में झूठ का सहारा मत लेना, सत्य का सहारा लेना। सत्य ही धर्म है। दूसरे नंबर में दया भाव। आपके मन में दया है तो आप धर्म कर रहे हैं। दया हर किसी के अंदर होना चाहिए, ये धर्म का दूसरा पद। दान, तीसरे नंबर में दान करना। दान भी बहुत बड़ा धर्म है। दान करने से क्या होता है, आप जो दान यहाँ पर करते हैं उसके बाद में आप जब इस संसार को, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाते हैं तो वही किए हुए दान, वही किए हुए सत्कर्म आपको वहाँ जाने का मार्ग तय करता है। प्यार से बोलो। और चौथे नंबर में पवित्रता। अगर आपने पवित्रता का ध्यान रखा, ये भी धर्म का चरण है। अगर आजकल के मनुष्य कलयुग में होकर के भी इन चार नियम का पालन किया, सत्य, दया, दान और पवित्रता, ये चार नियम का मनुष्य पालन करे तो वो मनुष्य धार्मिक है, वो धर्म को आगे बढ़ा सकता है। और शास्त्र कहते हैं अगर तुम धर्म को बचाने की कोशिश भी करोगे तो धर्म तुम्हें बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। और धर्म करने के लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस सत्य, दया, दान और पवित्रता, इन चार नियम का पालन करिए। प्यार से बोलो, जोड़ से बोल दो ना।